इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं समास। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लीवर बैलेंस। हमने मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए हैं, तो इससे पहले हमने फिजिकल बैलेंस की वीडियो की हुई है, तो यहाँ पे आई का निशान आ रहा होगा, तो यहाँ से आप उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फिजिकल बैलेंस की वीडियो को पहले देखिएगा, देन आपने लीवर बैलेंस की वीडियो को समझना है। तो लीवर बैलेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि लीवर बैलेंस जो है इसका नाम लीवर क्यों पड़ा है। लीवर बैलेंस क्यों है, क्योंकि इसके दो सेट के लीवर लगे हुए हैं, ये लीवर है, इनके ऊपर हमने पैर रखे हुए हैं, एक ये लीवर है दूसरा ये लीवर है, इनके ऊपर हमने पैर रखा हुआ है, तो इसलिए इसको लीवर बैलेंस का नाम हम देते हैं। अब लीवर बैलेंस की सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ यूज कि लीवर बैलेंस से मैस को कैसे मेजर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ ऑन अ सिस्टम ऑफ लीवर, लीवर बैलेंस consists on a system of liver. Liver balance consists on a system of livers. के livers पे मुश्तमल होता है, इसीलिए हम इसको liver balance का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं method of use कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले लीवर बैलेंस को जरा समझ लें। एक इसका लेफ्ट पैर है, दूसरा इसका राइट पैर है, ये दरमियान में हमारा पॉइंटर है, मार्क लगा के हम इसको रखा हुआ है कि जीरो पे ये है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो पे होता है, जब दोनों हमारे पास बैलेंस है तो ये जीरो पे होगा। उसके बाद जब हमने मेजरमेंट करनी है तो हमने नाउन मैस जो है उसको लेफ्ट पैर पर रखना है, और अननोन मैस होगा उसको हमने जो है जो नाउन मैस होगा उसको आपने राइट पैर में रखना है, और अननोन मैस होगा उसको आपने लेफ्ट पैर में रखना होगा। तो लेफ्ट पैर के अंदर जिस मैस को आपने मेल करना होगा वो आप रख दोगे, और इस तरह से स्टंड मैस होगा उसको दूसरे पैर के अंदर जब रखोगे तो देन पॉइंटर का जीरो पे आना जरूरी है। जब पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा तो आपकी मेलमेंट जो है कंपेरिजन मैथड जो उसका हो गया है कि आप इधर जो आपने एक मैस रखा हुआ था मेन के 2 केजी का मैस है, 3 केजी का या 5 केजी का, जितने भी केजी का मैस रखा हुआ है, और दूसरी साइड पे जो अननोन मैस आपने रखा है तो आपने जितना वो मैस मेल करना होगा आप उतना वो मैस इसके अंदर रख सकते हो, और उसके बाद जब पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो है वो मैस जो हमने मेल करना था वो आसानी के साथ मेल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये वाला पैन जो ऊपर को चला जाता है या ये वाला पैन जो है वो नीचे को आ जाता है, तो दोनों सूरतों में हमारी मेजरमेंट ठीक नहीं हुई है। तो मेजरमेंट कब ठीक होगी, जब आपने अननोन मैस एक साइड पर रख दिया है और दूसरी साइड पे आपने नोन मैस रखा है, जो स्टैंडर्ड मैस जिससे आपने कंपैरिजन करना है, तो जब ये बैलेंस हो जाएगा यानी जितना मैस आपको चाहिए जब ये उतना मैस हो जाएगा तो देन पॉइंटर हमारा किस पे आ जाएगा, पॉइंटर हमारा जीरो पे आ जाएगा। जब पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमने जो मैस मेल करना था, जिस मैस की मैस की हमने मेजरमेंट करनी थी, वो मैस हमारा मेल हो चुका है। तो इस तरह से आप लीवर बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ मैस की मेजरमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसकी डिफाइन बताई है, देन मेथड ऑफ यूज आपको बताया, आई थिंक आपको लीवर बैलेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।